तो डे फोर और हम तैयार है आज पांचवे केदार के दर्शन करने। कल्पेश्वर महादेव हम जा रहे हैं। अभी रात को हम रुके थे यहीं जोशीमठ में। जोशीमठ में ये कुछ बारवा गांव ऐसा कुछ इसका नाम है। जगह कैसी हूँ अभी आपको बाहर जाके दिखाता हूँ। यहाँ से ज़्यादा नहीं 2 या 2.5 किलोमीटर पर कल्पेश्वर महादेव आ जाएगा और हम वहाँ जा रहे हैं। हमें जोशीमठ पहुँचते पहुँचते काफ़ी अंधेरा हो गया था क्योंकि हम तुंगनाथ के बाद डायरेक्ट इधर के लिए निकल गए थे। हमने डिसाइड किया था गोपेश्वर रुकेंगे, लेकिन हम चलते चलते जोशीमठ, जोशीमठ से हमने डिसाइड किया चलते उर्गम घाटी। जिसे कहते हैं ना इंस्टेंट रियलाइज़ होना कि भैया गलत डिसीजन था, वही हमें इस रास्ते पे आके हुआ। इतना बेकार रास्ता, इतना चढ़ाई वाला टूटा फूटा रास्ता, बिल्कुल अंधेरा, कोई आइडिया नहीं था कहाँ जाना है। एक तरफ खाई, बिल्कुल पतला सा भयंकर रास्ता। वो तो हमने एक गाड़ी पकड़ ली, उसके पीछे पीछे हम रास्ता पकड़ते हुए यहाँ पहुँचे हैं रात को। उधर सामने फ्योली नारायण, जहाँ हम जा नहीं पाएंगे क्योंकि अभी ट्रैक भी, हमें और भी बहुत सारी चीज़ें करनी है, तो इसलिए हम उसे स्किप कर रहे हैं। वैसे हमारी चेकलिस्ट में वो था नहीं, इसलिए हम उसे स्किप भी कर रहे हैं। तो सही आ रहा ना भाई। तो जाते ही शुरू होता है ये वाटर क्रॉसिंग। इससे स्वागत होता है हमारा मंदिर के दर्शन करने के लिए। तो जूते उतारने पड़े थे क्योंकि शायद काफ़ी गहरा सा है। वैसे एक टेक में निकाल सकता हूँ यार मैं इसमें बिना पैर रखे। पांडे निकाल सकता है, कोई दिक्कत, लेकिन पैर रख गए तो वाली बात है ना। तो जूते पहने थे तो इसलिए संदीप ने जूते उतार दिए थे क्योंकि ये मुझसे पहले आ गया, तो फिर इसी ने मेरी बाइक क्रॉस कराई। तो लद्दाख से कम नहीं है ये ट्रिप भी है मंजीत। मैंने कहा लद्दाख से कम तो ये भी नहीं है। जगह जगह में आपको वाटर क्रॉसिंग दिख रही है। मास्क मैन, तो अभी मैंने सीट चेंज करके पीछे बैठ गया हूँ क्योंकि मुझे ये रास्ता सूट करना था। ये दुर्गम घाटी आपको दिखानी जरूरी है। और अब हम एंटर करने वाले देवग्राम दुर्गम। हाँ, तो दुर्गम घाटी क्रॉस करने के बाद हम पहुंच गए देवग्राम। तो अगर आप यहाँ आने की सोच रहे हो, आपको आता है तो लेट भी हो जाता है, तो आपको यहाँ होम स्टे काफी मिल जाएंगे। जगह जगह में होम स्टे बने हुए हैं। तो सामने दिख रहा है कल्पेश्वर वाटरफॉल। ये कितना ऊपर से आ रहा हो। ये लगते क्या गाड़िया? तो हम आ गए हैं जहां से कल्पेश्वर का ट्रैक शुरू होगा। कल्पेश्वर मंदिर दुर्गम घाटी में समुद्र तल से 2134 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। तो ये मंदिर 2134 मीटर की ऊंचाई पर है। और ये देखिए, इसे बोलते हैं कल्पेश्वर वाटरफॉल। और ये जगह है जहाँ गाड़ियाँ पार्क होती हैं। यहाँ सामने हमने अपनी गाड़ियाँ पार्क कर दी है और ये आप रास्ता देख सकते हैं। ये पूरा एक ब्रिज बना हुआ है, इसे क्रॉस करके जाना होता है। और यहीं से मुझे दिख रहा है ब्रिज में कुछ लाल नीले पीले कलर के झंडे बांधे हुए हैं, छोटे छोटे रिबन टाइप के, जो कि देखने में काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। तो हमने अपनी गाड़ियाँ लगा ली और अब हम जा रहे हैं कल्पेश्वर महादेव टेंपल की ओर, जो कि यहाँ से शायद ज़्यादा नहीं 200 मीटर होगा। सामने ही दिख रहा है मुझे, तो बने रहे मेरे साथ, मैं आपको दिखाता हूँ आगे। टुकुर टुकुर, ये देखो यहाँ पार्क बनाया है, पीछे बच्चों की एक्सरसाइज करने के लिए खंभे लगाए हुए थे। तो सरकार यहाँ के बच्चों का भी ध्यान देती है। स्वच्छ भारत के लिए इन्होंने शौचालय बनाया है, ये भी अच्छा है। ये यहाँ से ब्रिज शुरू हो जाता है। इस ब्रिज को क्रॉस करके वहाँ सामने बैठे हमारे महादेव। कहते हैं जो पंच केदार है ये कल्पेश्वर महादेव, यहाँ महादेव की जटा रूप में तपस्या होती है, पूजा होती है। वाव, ये ब्रिज ही कितना प्यारा लग रहा है। ये देखिए, मैंने आपको बताया था ना कि रिबन्स बांधे गए हैं कुछ कलरफुल्स, जो और भी बेहतरीन लग रहा है देखने में। और यहाँ से नीचे का नज़ारा ये देखिए आप। ओ, ये ब्रिज पूरा शेक कर रहा है, पूरा झूला पुल बना हुआ है।
ये देखिए यहाँ से कहीं से ऊपर से आ रहा है वो झरना। ये झूला पुल पूरा शेक कर रहा है, काफी ब्यूटीफुल लग रहा है झूला, मतलब ये पुल जो कि झूला पुल है पूरा ही शेक कर रहा है। ये देखिए अपनी माता जी को दर्शन करा के ला रहे हैं। तो मंदिर प्रांगण में हम आ गए हैं, अब अंदर जा रहे हैं मंदिर की तरफ। ये मंदिर शुरू हो गया है और ये स्थान जहाँ जूते उतारने हैं। ठीक है चारों तरफ त्रिशूल ही त्रिशूल रखे गए हैं। तो यहाँ से हम मंदिर आ चुके हैं, जैसे कि वहां लिखा था कि एक बड़ी शिला के नीचे है मंदिर शिव जी। यहाँ शिव जी को जटा रूप में पूजा जाता है। ये देखिए बड़ी शिला जिसके नीचे मंदिर बना है। यहाँ जगह जगह त्रिशूल ही त्रिशूल दिख रहे हैं। फाइनली मेरे पंच केदार पूरे हो गए हैं। ये पांचवा केदार कल्पेश्वर महादेव मेरे बच गए थे, इससे पहले मैं चारों कर चुका था, तो फाइनली आज पूरा हुआ। काफ़ी अच्छा लग रहा है और यहाँ की सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगी कि यहाँ ज़्यादा क्राउड नहीं है, पंडित जी आराम से पूजा कराते हैं, आराम से आपको दर्शन होते हैं। तो सभी केदार तो हर कोई जा रहा है, यहाँ भी जरूर आएँ और अपने पंच केदार पूरे करें और यहाँ के दर्शन करें। हर हर महादेव। और अब हमारा प्लान है यहाँ से बद्रीनाथ जाने का। आप वीडियो में बने रहें, अगले व्लॉग में आपको बद्रीनाथ देखने को मिलेगा।